हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं पीवीआर स्टडी में। बच्चों, आज की क्लास में आप लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन कल आपने देख लिया था, उसके आगे आज हम देखेंगे। जल्दी से सभी बच्चे आ जाओ और जो भी नए छात्र जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें, ये बिल्कुल फ्री है तो सब्सक्राइब तुरंत करें। चलिए नीचे देखो, लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा है, हो गया। सवाल कहता है कि आकृति 6.29 में यदि ए बी पैरेलल सी डी, यानी जो रेखा ए बी है वो सी डी के समांतर है और जो सी डी है वो ई एफ के समांतर है, यानी ये जो है सी डी ये ई एफ के समांतर है, ये दिया है। और कोण नहीं दिया, वाई एंड जेड अनुपात दिया है 3:7 का। तो यक्स का मान पूछा है, एक्स कोण ये बन रहा है, वाई ये बन रहा है, ये जेड बन रहा है। अगर आपको एकांतर अंतः कोण और संगत कोण इत्यादि ये सब नहीं आते ना, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप कमेंट करके बताना। डिस्क्रिप्शन में देखो लिंक मिल जाएगी एकांतर अंतः कोण संगत कोण वगैरह की, उन्हें देख लेना, नहीं तो लास्ट में नंबर देंगे, संपर्क करना, ठीक है। तो बच्चा इसी कॉन्सेप्ट पे ये पूरी क्लास होगी। देखो अब यहाँ लिखो हल दिया है, क्या क्या दिया है भैया, पहले तो कुछ रेखाएँ समांतर दी हैं और भी बहुत सी चीज़ें हमें दी गई हैं। सबसे बड़ी बात तो हमें ये दिया है वाई और जेड का जो अनुपात है 3:7 है, 3:7 है ना, तो हम इसे मान लेंगे। क्या मान लेंगे, किसी एक अचर पद के साथ इसको लगा लेंगे, वाई बराबर 3 है और जेड बराबर 7 है, या आप मान सकते हो कोई भी कांस्टेंट लगा सकते हो इसके साथ में, चाहे तो यहाँ पर के कर लो या बी कर लो, मतलब कुछ भी कर लो, एक आप इस तरह से मानोगे अनुपात वाला, वाई को जगह पे 3 है, जेड की जगह पे 7 है, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि ए बी अगर समांतर है सी डी के, तो भैया सी डी के समांतर ई एफ है ना, ये है ना, ध्यान दो। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये 3 लाइनें हैं भैया, ये अगर 3 सेंटीमीटर है और ये कितना है, ये 3 है, और कहा जाए कि ये तो 3 है लेकिन जो ये सी डी है ये ए बी के बराबर है, ऐसा समझो। अगर मैं कहूं कि ए बी 3 है और जो सी डी है वो ए बी के बराबर है, इसका मतलब सी डी भी 3 है, इसका मतलब सी डी भी 3 है। और लास्ट में ये कह दिया जाए कि जो रेखा पी क्यू है, पी क्यू सी डी के बराबर है, समझो, पी क्यू सी डी के बराबर है, और भैया सी डी ए बी के बराबर है, तो आप ये भी तो कह सकते हो कि ए बी जो है पी क्यू के बराबर है कि नहीं, कह सकते हो ना, सब बराबर है ना, तो आप कह सकते हो ए बी पी क्यू के बराबर है, ये कह सकते हो। तो उसी तरह से बच्चा, अगर ए बी समांतर सी डी है और सी डी समांतर ई एफ है, तो आप कह सकते हो ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ, ये हो सकता है। अब ऐसा क्यों, ऐसा वो मैंने आपको पूरा रीजन बता दिया एग्जाम्पल के साथ। अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखो तो यक्स और जेड और वाई कोण दिए हैं, हाँ ये दिए ना बच्चा, नीचे दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है। जो भी छात्र नहीं समझ रहे हैं वो स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें जिससे उन्हें लिखने में आसानी हो। चलिए अब हम आगे दिखाते हैं आपको, ध्यान देना बच्चा, हाँ यहाँ पे आप लिख सकते हो कोण एक्स बराबर कोण जेड, ये दोनों कोण बराबर होंगे आपस में। क्यों बराबर होंगे पता है भैया, ये कोण एक्स है और ये कोण जेड है, ये दोनों बराबर क्यों होंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हैं, एकांतर अंतः कोण है ना भैया, तो ब्रैकेट में लिख लो एकांतर अंतः कोण, जिन्हें इंग्लिश में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ये इतना हो गया, इतना ही नहीं, अभी इसमें और भी बहुत कुछ होगा। यहाँ पे एक्स वाई है ना, ध्यान दो जो भी इसमें दिया उसी को लेके चलेंगे, बहुत अच्छे से समझोगे, समझ में आएगा, नहीं आएगा वीडियो को फिर से देख लो, अभी दोबारा बताऊंगा, क्लास छोड़ के मत जाना बच्चा, समझना है तो, क्योंकि पेपर में आएगा ये, दिमाग लगाओ, एक एक वीडियो को कई बार देख लो, एक बार में नहीं समझ में आता बार बार देख लो। पहले आपको एकांतर कोण, ये एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, मतलब जिन्हें अल्टरनेट एक्सटीरियर एंड अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर बोलते हैं, ये आना चाहिए। संगत कोण आना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, ये सब आने चाहिए। नहीं आता है तो बताना, वो मैं बताऊंगा अलग से, लेकिन जब तक वो नहीं जानोगे तब तक इसको नहीं जान पाओगे। रैखिक युग्म क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है, ये सब आने चाहिए तभी ये सवाल आएगा। ये सब पहले मैंने बताया स्टार्टिंग में ना, जब क्लास शुरू हुई थी, बताओ नहीं बताया तो बताना, मैं बता दूंगा। तो बच्चा इसमें एक्स और वाई है ना,
यहाँ पर आप एक चीज़ और लिखोगे, क्या लिखोगे, यहाँ पर आपका जो कोण एक्स है वो धन कोण वाई के भी दोनों जोड़ोगे तो 180 होगा। अब कहोगे ऐसे काहे होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि दोनों रैखिक युग्म बना रहे हैं। क्या बना रहे बच्चा, रैखिक युग्म, यानी लीनियर पेयर जिन्हें बोलते हैं। लीनियर पेयर कब बनते हैं, जब कोई दो कोण एक ही रेखा पर बने हों तो वो लीनियर पेयर कहलाते हैं। जैसे एक्स और वाई देखो एक ही रेखा पर बने हैं ना, इतना लिख लो, इतना हो गया। आगे बढ़ें अब हम, अब देखो इतना आप लिख लिए हो तो मैं इसको मिटा दूं या साइड में करूं, देखो रुको एक मिनट। आप सवाल समझ गए हो क्या करना है, अब मैं मिटा के आगे हल कर सकता हूं, ठीक है। सवाल मिटा दूंगा मैं ऊपर, अब ऊपर हल करूंगा। ध्यान दीजिए, सवाल आप फिर से लिख लो, वीडियो पीछे करोगे सवाल फिर से दिखेगा। आप एक बात ध्यान दो, अगर हम कोण वाई के अपोजिट कोण पी मान लें, मतलब ये वाई है इसके अपोजिट इधर साइड, अगर हम इसको कोण पी मान लें तो आप यहाँ पे ध्यान दो क्या होगा, बहुत ही प्यार से समझो बच्चा। अगर हम इसको कोण पी मान लें तो क्या होगा पता है आपको, यहाँ हो जाएगा कोण पी इक्वल कोण वाई, ये हो जाएगा कि नहीं, ये हो जाएगा ना, ये तो हो जाएगा। लेकिन इसको हम बाद में अभी आपको दिखाएंगे, पहले आप ये ले लो, ये दोनों ले लो। कोण पी जो है किसके बराबर हो जाएगा बच्चा, कोण जेड के बराबर हो जाएगा, किसके, कोण जेड के बराबर हो जाएगा। लेकिन आप कहोगे ऐसा क्यों, क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि भैया अभी अभी आपने, मैंने आपको बताया ना संगत कोण है, ये क्या है, ये संगत कोण है, देखो एक ही भुजा से जुड़े हुए बने हैं ना, ये समांतर लाइन पर, इस पर ये बना है, इस समांतर लाइन पर ये बना है, तो ये ब्रेकेट में लिख लो संगत कोण। संगत कोण को इंग्लिश में करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये हो गया ना। आगे बढ़ें, अब ध्यान दो, अब यहाँ आप कोण 1 प्लस कोण पी इक्वल 180 कह सकते हो। कहोगे ये कौन मुसीबत है, ये मुसीबत इसलिए है क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। अब देखो हम वही चल रहे हैं जहाँ पर हमें चलना है, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ मिला है, वो क्या मिला है, पी का मान आप ला के रख दो इसमें, हाँ पी का मान आप ला के रख दो। यहाँ पे देखो कोण पी कोण जेड के बराबर है ना, तो पी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, पी की जगह पे आप कोण जेड लिख सकते हो बराबर 180 अंश। आ गए ना एक लाइन में, एक छतरी के नीचे आ गए ना सब, इतना लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बस उत्तर आ गया है, इसके बाद मैं कर देता हूँ बगल में, ठीक है। ये लो जगह तो है ना बगल में, मैं कर देता हूँ साइड में, देख लो बच्चा लोग, काफ़ी जगह है, चलो तो ठीक है, गुड। अब यहाँ देखो कोण ए एंड कोण बी, ओ सॉरी जेड, ये 3A था कोण ए और जेड 7A था ना, तो आप यहाँ लिख सकते हो 3A प्लस 7A इक्वल 180, 180, यानी फाइनल में 10A बराबर 180, तो A बराबर आप क्या लिखोगे 18, कितना आएगा 18। इस तरह से आप Y का मान निकाल सकते हो, जेड का मान निकाल सकते हो, कैसे, तो यहाँ पे बच्चा आप Y बराबर निकालोगे 3A है बराबर 3 × 18 इक्वल 54, यानी वाई का मान आप कह सकते हो 54 डिग्री है, कितना है 54 है। इस तरह से आप जेड का मान कह सकते हो, क्या होगा बच्चा, जेड का मान क्या हो सकता है, वही 7 ही था ना, तो बराबर 7 × 18, 18 × 7 = 126, ये 126 डिग्री हो गया। हमें करना क्या था सवाल में, कह रहा था एक्स का मान निकालो ना, एक्स का मान निकालने को बोला था ना बच्चा, चूँकि एकांतर कोण एक्स और जेड बराबर थे ना, एक्स और जेड बराबर थे, और जेड 126 अगर आ गया तो क्या लिखोगे, यहाँ पे नीचे लिखो चूँकि जेड बराबर 126 डिग्री, इसलिए कोण एक्स बराबर 126 डिग्री होगा, ब्रैकेट में लिख दो एकांतर कोण, है ना, बात समझ में आई ना, अगर नहीं समझ में आया कहीं तो तुरंत बता देना। ये मैंने लिखा है चूँकि जेड बराबर 126 अंश, इसलिए भाई ये लिख लो चूँकि जेड बराबर इतना, इसलिए कोण एक्स बराबर 126 होगा एकांतर कोण। ये देखो आया था ना यहाँ पर एकांतर अंतर कोण है ना एक्स और जेड। मुझे पता है कि आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है, लेकिन आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, रिपीट करिए वॉच अगेन पे क्लिक करके, जिससे आपको समझ में आए। साथियों बहुत से छात्र कहते हैं कि ये क्लास बहुत बड़ी बड़ी क्यों नहीं होती, बड़ा छोटा होता है, एक ही सवाल आप बताते हैं, क्योंकि ये सभी सवाल जो हैं थोड़ा टफ हैं, मतलब दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगाने वाले हैं, तो अगर हम ज़्यादा सवाल करवाते हैं तो बच्चे पूरा क्लास नहीं देखते हैं, भाग जाते हैं। आप जैसे कुछ बच्चे हैं जो डाउनलोड कर लेते हैं देखते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो डाउनलोड कर लेते हो तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है, इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को ऑनलाइन देखो, डाउनलोड ना करो, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों में शेयर करो। अगर वीडियो के व्यू जो है नीचे देखे जाने वालों की संख्या जो है वो 24 घंटे में अगर 1500-2000 आने लगी
तो हम आपको आधे घंटे की क्लास देंगे एक एक घंटे की, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़िए, आपके साथ जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास 9th में 10th में, उनको बताइए कि PVR स्टडी में संपर्क करें। ऊपर नंबर दिख रहा है, आप उस पर संपर्क करिए, अपना नाम क्लास का नाम लिख करके भेजिए, शहर का नाम भी लिख दीजिए, जिससे कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाए और रेगुलर आप पढ़ सको। बहुत बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। अगर कोई मन में सवाल है तो उसे ज़रूर बताइए। चलिए अगली क्लास में फिर से मिलते हैं।